तो दोस्तों सिकंदर पर आया एक और बड़ा अपडेट। जी हां, सलमान खान की फिल्म सिकंदर पिछले काफी वक्त से चर्चा का विषय बनी हुई है। अभिनेता ने इस खास मौके पर अपने फैंस को सरप्राइज दिया था। इस फिल्म के निर्देशक यार मुरुगदास से कुछ वक्त पहले खबर आई थी कि इस फिल्म में सलमान खान के साथ रश्मिका मंदाना भी नजर आने वाली है। वही अब खबरें है कि इस फिल्म में सलमान खान के साथ करीना कपूर नजर आने वाली है। बॉक्स ऑफिस वर्ल्ड वाइड के सूत्रों की माने तो करीना कपूर का नाम मोस्ट अवेटेड फिल्म सिकंदर में सलमान खान के साथ एक्टिंग के लिए सबसे पहले है। सूत्रों का कहना है कि करीना ने हाल ही में बड़ी बॉक्स ऑफिस हिट फिल्म क्रू दी है और जाने जान के साथ फैंस की खूब तारीफ बटोरी है। करीना ने सलमान खान के साथ एक बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड शेयर किया है। दोनों ने एक साथ बजरंगी भाईजान और बॉडीगार्ड जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया है। सिकंदर फिल्म को लेकर सूत्रों ने आगे बताया कि करीना कपूर ने स्क्रिप्ट सुन ली है और जल्द ही चीजें आगे बढ़ेगी। उनके साथ शूटिंग के लिए डेट्स है क्योंकि करीना ने यश की टॉक्सिक में काम करने से मना कर दिया है। जल्द ही इसकी आधिकारिक घोषणा की जाएगी। इस फिल्म को लेकर मुरुगदास एक्शन सीक्वेंस को प्राथमिकता दे रहे हैं। वही इसके लिए कोरियोग्राफी पहले से चल रही है। वही इस एक्शन सीक्वेंस के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसके अलावा वह अपनी फिजिकल कंडीशन में सुधार के लिए नियमित रूप से वर्कआउट भी कर रहे हैं। फिल्म में सलमान खान की को स्टार रश्मिका मंदाना के साथ जून में शूटिंग शुरू होने वाली है। मुंबई हैदराबाद कुछ जरूरी सीन की शूटिंग की जाएगी। सलमान खान को लेकर पिछले कुछ चल रहे फायरिंग के मामले में मद्देनजर रखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। जब तक जरूरी ना हो तब तक शूटिंग लोकेशन को सीक्रेट रखा जाएगा। वैसे दोस्तों आपका इस खबर पर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अगर आप भी सलमान खान के डाई हार्ट फैन हैं तो ऐसे ही सलमान खान की मूवी से रिलेटेड हर एक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।